Hi guys, namaste. I hope you're doing good. So for today's video, I'll be telling you all how I have got my saree blouse and sky stitching everything for 1200 rupees. So basically it's an outfit from scratch kind of a video. I've already done a part one wherein I talked about a chicken curry red color ka suit. You can watch that video if you haven't already after watching this one. So yeah, without further ado, let's begin this video. So basically I had to attend my friend's brother's wedding, so it was a close wedding and I wanted to wear a saree for the ring ceremony, and I did not want to spend a lot of money in buying a saree. I wanted a very simple saree jisme bahut zyada tamjham ya kaam na ho. So I went to Chandni Chowk and wahan pe maine fabric wali jo shops hoti hain and jo choti moti si shops hoti hain wahan se, koi famous badi shop se nahi ya fir koi nayi sadak ki bilkul main market se nahi maine kuch liya. छोटी सी शॉप्स होती है वहाँ पे फैब्रिक आपको मिल रहा होता है. सो वहाँ से भी कोई रैंडम सी शॉप थी, वहाँ जाके मैंने ये एक फैब्रिक लिया था फॉर द साड़ी. सो इट्स नॉट एक्चुअली अ साड़ी, इट्स अ फैब्रिक. सो ये 5.5 मीटर अराउंड 5.5 है. सो उनके पास ये लास्ट का बचा हुआ था एंड इट्स अ टाई एंड डाई इन द प्रिंट. टाई एंड डाई समथिंग दैट इज वेरी मच इन ट्रेंड राइट नाउ, लाइक यू कैन फाइंड पजामाज टी शर्ट इन टाई एंड डाई लुक. सो ये एक टाई एंड डाई की साड़ी है. सो मैंने इसको लिया था, 5.5 मीटर है जैसे कि मैंने बताया. तो आप क्या कर सकते हो, आप भी ऐसे किसी फैब्रिक मार्केट जा सकते हो, किसी फैब्रिक शॉप से वहाँ से ले सकते हो. डोंट गो टू अ फेमस फैब्रिक शॉप बिकॉज वो कंपेरेटिवली ना प्राइजेस वहाँ पे ज़्यादा ही होते हैं. आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर कर सकते हैं, इफ़ यू हैव टाइम देन डेफिनेटली गो एंड जस्ट एक्सप्लोर द मार्केट, यूल फाइंड लॉट ऑफ ऑप्शन. सो इट वॉज 100 रुपीज़ पर मीटर. सो मुझे साड़ी मिल गई थी 500 रुपीज़ में. एंड अगर मैं किसी शॉप पे जाती तो पहली बार तो मेरी पसंद का नहीं मिलता, मुझे प्लेन सी साड़ी चाहिए थी, वैसा कुछ भी नहीं मिलता. सो ऐसी फैब्रिक शॉप में जाके ये एक बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है. सो ये है साड़ी, फिर मैंने इसमें नीचे से फॉल लगवा लिया था. सो ये पूरी मेरी साड़ी रेडी हो गई थी. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द ब्लाउज, सो द ब्लाउज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर साड़ी. सो ये व्हाइट कलर का चिकनकारी कपड़ा है एंड ये वही सेम कपड़ा है जो मैंने अपने सूट के लिए लिया था, दैट वाज इन रेड कलर एंड दिस वन इज इन व्हाइट कलर. सो आप व्हाइट लेके किसी कलर में डाई भी करा सकते हो, बट आई वांटेड टू यू नो वेयर अ व्हाइट ब्लाउज. सो एक व्हाइट चिकनकारी ब्लाउज है एंड एज यू कैन सी द स्टाइल इसका, ये कुछ ऐसा है. यहाँ पे तो लाइनिंग चाहिए नहीं होती है, बैक में भी इसकी लाइनिंग नहीं है, मतलब पहनने के बाद तो इतना पता नहीं चल रहा था. एंड फॉर द फ्रंट मेरे को वी बनवाना था, बट एकदम शार्प वी नहीं है, हल्का सा ऐसे थोड़ा यू टाइप का है. आई शो यू द रेफरेंस ऑल्सो दैट आई सेंड टू द टेलर. सो ये पूरा ब्लाउज का लुक है एंड ये आगे से थोड़ी सी लाइनिंग लगाई हुई है. सो ये मेरे को पूरा ये ब्लाउज काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है साड़ी के साथ में. एंड इट वॉज लाइक 200 रुपीज पर मीटर. एंड देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज फाइंडिंग अ टेलर, बिकॉज फाइंडिंग अ गुड टेलर इज रियली अ टफ टास्क. सो आपको करना क्या है, टेलर ढूंढते टाइम भी अगेन किसी फंक्शन वेडिंग कुछ भी करना है, सो डू इट लाइक इन एडवांस, एक महीना पहले या पैसा करना शुरू कर दो, बिकॉज वंस यू इन हरी ना यू एंड अप पेइंग मोर. सो आप आराम से अपना टाइम लो, मार्केटिंग एक्सप्लोर करो. मैंने इस बार सोचा था कि मैं कोई मेन मार्केट या कहीं फेमस मार्केट के किसी टेलर से स्टिच कराती हूँ, सो दैट आई कैन गिव यू द एड्रेस ऑल्सो, आप लोग वहाँ जाके करा सकते हो. बट द प्राइज ओ माई गॉड, दे वॉज लाइक सो हाई, तो 1200-1500 वो एक ब्लाउज स्टिच करने का ले रहे थे. सो मैंने वहाँ से नहीं कराया. I went to a local tailor, so she charged me 500 for this blouse. जो इसके कप्स और लाइनिंग सब कुछ उनकी तरफ से था, मैंने बस उन्हें अपना क्लॉथ दिया था. सो 500 में ब्लाउज बन गया, बिकॉज इतना ही आपसे चार्ज करेंगे एक पैडेड ब्लाउज का. आप किसी भी नॉर्मल टेलर के पास जाओ, इवन 400 तक भी आपको अगर आप सर्च करो तो मिल सकते हैं, 400-450 तक में भी. बट उससे ज़्यादा पे करना आई डोंट थिंक सो कि अप्रोप्रिएट है, उससे ज़्यादा देना फॉर अ ब्लाउज. सो आप ऐसे सर्च कर लो आसपास का कोई टेलर एंड यू एक्सप्लेन द डिज़ाइन, देन स्टिच इट फॉर यू. सो ये पूरा का ब्लाउज का लुक है एंड इट्स फॉर 700 एंड 500 में साड़ी. सो इट कम्स आउट टू बी 1200 एंड 1200 में मेरा पूरा आउटफिट रेडी है. एंड कलर ऑफ द साड़ी समथिंग दैट माई मदर कैन ऑल्सो रीयूज, लाइक शी वॉज सो हैप्पी आफ्टर सींग दिस कलर, बिकॉज जनरली आई बाय वेरी यू नो लाइक सिंपल कलर्स और डार्क कलर्स आई वुड से. सो शी डजेंट लाइक वेयरिंग दो साड़ीज एंड आई हैव ऑर्गेंजा साड़ी, लाइक टू ऑर्गेंजा साड़ी, वो भी उनके काम की नहीं है बिकॉज शी डजेंट लाइक कैरिंग ऑर्गेंजा साड़ी. सो ये वाली उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है एंड इवन इट्स यूजफुल फॉर मी. एंड 1200 मेरा एक पूरा प्रॉपर फंक्शन का एक आउटफिट रेडी हो गया था.
अगर मैं वही मार्केट से कुछ ले जाती तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे मिलता इतने में कोई अच्छा आउटफिट. तो आप ये टिप रख सकते हो. आप साड़ीज के साथ डेफिनेटली यू कैन गो हैड विद अ साड़ी, उसका अच्छा सा ब्लाउज बनवा लो एंड काफ़ी सही हो जाता है. एंड एज फार एज स्टाइलिंग इज कंसर्न, सो आई केप्ट इट रियली सिंपल. आई वर अ पर्ल नेकलेस एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स. एंड देन फॉर द इयरिंग, उसमें भी वाइट कलर का एक इयरिंग है, उसके नीचे पर्ल लगा हुआ है. सो दोनों मैच करें, ऑल दो सेट नहीं है, वो अलग अलग है. एंड फॉर द मेकअप मैंने रेड लिपस्टिक लगाया था, एंड रेड लिपस्टिक इज समथिंग दैट आई रियली लाइक. सो दैट वॉज द कम्प्लीट लुक. एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा हो. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू यू नो गेट अ साड़ी फॉर योर सेल्फ, और यू आर प्लानिंग टू गेट अ ब्लाउज फॉर योर सेल्फ, या आपको कुछ भी ऐसे वेडिंग्स वगैरह अटेंड करनी है एंड यू डोंट नो वॉट टू बाय, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा. एंड या आई सी यू सुपर सून. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल लव टू आंसर दैट. एंड या आई सी यू सुपर सून. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.